there, but at the same time, excitement is also there, you know. As this is my first film, so excited to see my skills, my scenes, you know, on screen. After working in a film, see, I see myself very fortunate that I got this opportunity. And second of all, acting is a learning process. So just because I've done one film, that doesn't mean that I've achieved something. So obviously, acting is a learning process, and I'm excited for this one and many more to come. Yeah, yeah. जी 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 माई मेथड इज वेरी डिफरेंट आई डोंट कॉपी एनीबडी बट ऑब्वियसली वी लर्न एवरीथिंग फ्रॉम यू नो एवरी अदर एक्टर So I've learned the caring nature, and you know she's very supportive, and she's very dedicated towards you know performing any scene. So yeah, I've learned a lot from her, and she was very supportive. You know, she never treated me like a newcomer, and she was so warm and you know gentle. Kya kehte hain usse? Supportive towards. जी 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 देखिए फिल्म को आगे ले जाने के लिए तो म्यूज़िक का ऑब्वियसली बहुत बड़ा रोल रहता है क्योंकि अगर म्यूज़िक हिट होते हैं और म्यूज़िक लोगों को पसंद आते हैं तो एक लोगों के मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि उनको थिएटर तक ले जाने का जो जरिया होता है आई थिंक म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है उसका No comments. Any more questions, anyone? सर हम तुम्हें चाहते हैं टाइटल बहुत प्यारा है बहुत ही मतलब जी 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 आपने भी कभी किसी को चाहा है जी चाहा है बिल्कुल चाहा है मैंने पर अब चाहता हूँ कि लोग मुझे चाहें इस फिल्म के लिए लोगों से क्या चाहेंगे ऑडियंस बस उनका प्यार उनकी ब्लेसिंग और उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए थैंक यू एनी अदर क्वेश्चन थैंक यू बहुत अच्छा लग रहा है बहुत एक्साइटेड हूँ और कहीं ना कहीं थोड़ी सी नर्वस भी हूँ पता नहीं क्या रिएक्शंस आएगा लोगों का बट आई एम हैप्पी एंड ग्लैड एंड कि इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने के लिए मौका मिला है मुझे माई प्रोड्यूसर्स दे आर द बेस्ट एसआरजी फिल्म एंड देन सो मेनी गुड यू नो एक्टर्स देन माई को एक्टर जन्मजय सो इट्स ए वेरी नर्वस एंड एक्साइटिंग फीलिंग राइट नाउ I think lots of coffee. actually, no. I mean, I am not thinking much. I just want to enjoy the moment. But ऐसे भी मैं थोड़ी calm ही हूँ. I mean, I'm a calm person. I'm not that hyper person. So उतना problem नहीं है, उतना मुश्किल नहीं है. And yes, coffee makes me feel very calm and cool. So just waiting, and I'm just waiting to watch the movie. I'm really, really, really excited now. And I just hope लोगों को अच्छा लगेगा मेरा काम बहुत मेहनत से काम किया है बहुत ज़्यादा मेहनत किया मैंने सो या लेट्स सी एंड आप सबकी विशेस चाहिए थैंक यू सो मच थैंक यू किरदार तो बहुत ही सुंदर स्वीट क्यूट लव एक लड़की की किरदार है जिस लड़की का नाम है वानी और वो एक्चुअली
बहुत ही आउटस्पोकन, बहुत एक्सट्रोवर्ट, जो दिल में आता है वही बोल देती है, इस टाइप की लड़की है. और हीरो उसकी घर के पास ही रहने के लिए आता है, एंड फ्रॉम देयर शी स्टार्टेड लविंग, आई मीन लाइकिंग द हीरो, और उसके बाद कहानी की शुरुआत है. तो बाकी तो आपको मूवी में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगी आपको मूवी के बारे में. मिस मतलब ऑफकोर्स द होल टीम, हम सब ने बहुत एक फैमिली की तरह शूट किया था, और बहुत मतलब मज़े से, बहुत प्यार से, बहुत क्या बोले उसको, कामली हमने शूट किया. कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी हमें कुछ भी चीज़ों की प्रॉब्लम हुई, हमने ऐसे शूट किया. तो बस आज एक्चुअली प्रमोशंस इतने सारे हुआ, और एक फैमिली की तरह इतने टाइम से हम लोग सब काम कर रहे थे, और आज मूवी रिलीज़ है. तो ऑब्वियसली मिस करूँगी द होल टीम को. थैंक यू सो मच. थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत खुश हूँ दैट हम तुम्हें चाहते हैं का प्रीमियर है आज, और कल वर्ल्ड वाइड रिलीज होगा ऑल अराउंड द वर्ल्ड. और सेवा सेवा एक ऐसा गाना है जो सबको नचाता है, आप लोग सब लोग नाचते हैं, गाते, झूमते हैं. और स्पेशली आज दादू को बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि सब लोग आए यहाँ पर, दादू होते थे तो एक अलग ही मज़ा होता था. और सेवा सेवा में एज द यंगेस्ट प्लेबैक सिंगर डेब्यू दे रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, और आप लोग को आई होप आप लोग को मूवी अच्छा लगे. हाँ मैम. नोट देकर वोट लिया, जीता इलेक्शन नेता बना, सबको कुर्सी से गिरा दिया, सीएम की कुर्सी से चिपक गया. सेवा सेवा सेवा, जो करेगा पाएगा मेवा. थैंक यू. शूटिंग के टाइम पे तो अनरियल लग रहा था, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा फाइनल टर्म पेपर था, और 8 से 9 तक, और मम्मी एज यूजुअल टेंशन कर रही थी क्या पढ़ेगा क्या करेगा. तो शूटिंग वाज आउटस्टैंडिंग ऑन स्पॉट, गोविंद नामदेव जी, राजपाल जी, तो आई एम वेरी ऑनर्ड, क्योंकि राजपाल जी इतने बड़े लेजेंडरी कॉमेडियन मेरे गले पर एक्टिंग कर रहे, प्ले कर रहे, बहुत खुशी की बात है. और लॉलीपॉप जी, लॉलीपॉप प्रधान, उन्होंने कोरियोग्राफ किया बहुत अच्छे से, उनका जो आइडिया था बहुत क्रिएटिव आइडिया था, एकदम डिस्को लाइट के साथ. और बहुत खुश हूँ, आप लोग अच्छा लगे मूवी और इन्जॉय कीजिए. नर्वस तो एकदम नहीं हूँ मैं तो एकदम बिंदास आदमी, दादू जैसे. दादू ने मुझे एक चीज़ बहुत, नर्वस नहीं रहने के लिए, बिंदास रहने के लिए, नर्वसनेस है ही नहीं. थैंक यू सो मच. You know, I'm always curious and excited with every film of mine. It is not a matter that, you know, I have won awards or anything, but for me, every film is a learning experience. So be it. Hum tumhe chahte hain. And this is a very, very special film for me and very, very close to my heart, because it's hamari ghar ki film hai, Bapida ki film hai, aur Bapida's family's film hai, toh SRG Films is like my family, and performing in a family film is something very, very special. And mujhe laga ye story mein bahut hi khasiyat hai. It's a beautiful love story, lekin usme sirf love hi nahi hai, bahut sare other angles hai jo bhi bahut hi mahatvapurna hai is movie ke liye. Its storyline is very powerful. एक इंडिपेंडेंट वुमन की कहानी है, एक कॉर्पोरेट वुमन की कहानी है, एक लव एंगल है, और सोसाइटी में जो भी चल रहा है उसका भी एक झलक है इस मूवी में. तो इसीलिए आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी वेल कंपोज्ड फिल्म. और मैं जो किरदार निभाई उसके नाम है माया, और माया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर. हर फिल्म से मैं कुछ सीख पाती हूँ, और मुझे लगता है कि हर फिल्म मुझे कुछ सिखा जाते हैं. तो हम तुम्हें चाहते हैं भी ऐसा ही एक स्टोरी है जो बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है, और हमारी जो डायरेक्टर है राजन जी, उसको बहुत अच्छे से एसिमिलेट किया. और आज
आज के दौर में बहुत सारे थ्रिलर्स और एक्शन पैक्ड मूवीज़ हो रहे हैं, लेकिन इसमें वो जो जब लव स्टोरी होता है, एक प्यार भरी कहानी होती है, उसमें लोगों को हमेशा प्यार मोहब्बत पसंदीदा चीज़ें होती है कि मोहब्बत ऑलवेज हैज़ रेन्ड ओवर एवरीथिंग, इट हैज़ ट्रायम्फ्ड ओवर एवरीथिंग। सो मुझे लगता है हम तुम्हें चाहते हैं भी दर्शकों को की चाहत में शामिल होंगे और दर्शक इसके चाहने लगेंगे, यही हमारी उम्मीद है। और रेमा बापा गोविंद जी इज़ लाइक अ फैमिली। आई एम मिसिंग बापीदा टुडे बिकॉज बापीदा की लास्ट म्यूज़िक है इसमें और बापा ने इसको बहुत अच्छे से अरेंज किया। और हमारी जो वंडर किड है रेगो बी, ही हैज संग द सॉन्ग सेवा सेवा विच इज़ ऑलरेडी ट्रेंडिंग एंड उसका भी डेब्यू सॉन्ग है इस फिल्म में। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म लोगों को अच्छा लगेगा और इसमें हमारी एक नया कलाकार इंट्रोड्यूस हुए है जन्मजय और अनुस्मृति है, मैं, राजपाल जी, गोविंद नामदेव, अरुण बख्शी जी, अनूप जलोटा जी, बहुत सारे बहुत ही दमदार कलाकार हैं इसमें। सो ऑब्वियसली बहुत ही उम्मीद है इस फिल्म से, तो देखते हैं क्या होता है। एंड टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे फॉर अस, आज मूवी की लॉन्च हो रही है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं शामिल हो पाई, क्योंकि मेरा बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैम, आपने काफ़ी फिल्मों में काम किया जी, लेकिन इसमें जो न्यू कुमार आर्टिस्ट है उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही? हाँ सॉरी, काफ़ी फिल्मों में काम किया, उन्हें चाहते हैं जो न्यू कुमार आर्टिस्ट जी, उनके साथ कैसी बॉन्डिंग? मैं न्यू कुमार से का काम करके करके माहिर हो चुकी हूँ, न्यू डायरेक्टर्स, न्यू कमर्स, बहुत सारे लोगों के साथ मैं काम कर चुकी हूँ और मुझे अच्छा लगता है काम करने में, क्योंकि उन लोगों के अंदर एक नया एनर्जी होती है, बहुत ही एक मतलब एक जुनून होते हैं। तो इसमें भी आई थिंक जन्मजय हैज़ डन अ गुड जॉब और हमारी जो डायरेक्टर है वो इतना अच्छे से उनको समझाया मतलब किरदार के बारे में कि वो मतलब इतना अनकंफर्टेबल फील नहीं किया सेट पे, ही वाज क्वाइट प्रिपेयर्ड, तो वो मुझे अच्छा लगा। फील कर रही हूँ आज और स्पेशली बहुत इमोशनल मोमेंट है, क्योंकि लेजेंड की बेटी होने के बाद अभी रेगो ने भी म्यूज़िक में इतना अच्छा शुरुआत किया है, तो अभी रेगो की मम्मी, रेगो बी की मम्मी सब बोलते हैं अभी, तो इट मेक्स मी वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड और दादा का ब्लेसिंग्स, दादा का आशीर्वाद। जो भी हम काम करते हैं हम दादा को अपने जहन में रख के पूछ के करते हैं और उनका म्यूज़िक है आज ये मूवी पे और बहुत ही इमोशनल मोमेंट भी है, क्योंकि आई एम मिसिंग डैडी वेरी मच, डैडी को बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग दिलो जान से, पर भगवान की मर्ज़ी के ऊपर तो किसी का चलता नहीं है, पर वही हमारी शक्ति दे रही है। और रेगो का फर्स्ट डेब्यू हुआ है, दादा के संगीत पे रेगो ने गाया है, जो आज तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में शायद कभी हुआ नहीं है कि ग्रैंडफादर के ट्यून पे ग्रैंडसन ने गाया है, और उसका फर्स्ट प्लेबैक सिंगिंग एज अ प्लेबैक सिंगर इन द मूवी, फीचर फिल्म है। और सेवा सेवा बहुत ही वायरल हो गया है, सारे गामा ने लॉन्च किया है, म्यूज़िक लॉन्च किया है एंड वायरल हो गया ऑलरेडी और अच्छा जा रहा है। अभी बस आप लोग की आशीर्वाद चाहिए कि आप लोग पिक्चर को देखें जाके हॉलों में, जो फ्राइडे में वर्ल्ड वाइड रिलीज है, एंड उसे देखिए। दादा के म्यूज़िक, दादा ने भी गाना गाया है, रोमांटिक गाना गाया है पलक मुच्छल जी के साथ, और शान जी और अलका दीदी ने भी गाया है, सना अजीज़ जो मोहम्मद अजीज़ की बेटी है उन्हें भी हम लोग ने एक चांस दिया गाना गाने के लिए, तो उसने भी गाना गाया है। तो म्यूज़िक बहुत ही बढ़िया है, दादा का म्यूज़िक ऑलवेज मेलोडियस अच्छा होता ही है, आप लोगों को सबको पता है, और सेवा सेवा भी बहुत हिट हो गई है। तो बस आशा है कि आप लोग जाए थिएटर हॉल में मूवी देखें और इन्जॉय करें। रेगो 13 साल का है, तो ऑफकोर्स एक छोटा बेबी है, बच्चा है, और वो बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि वो बहुत ही रियल म्यूजिशियन है रेगो, और बहुत ही अपने पैशनेट है और म्यूज़िक को लेके वो जीता है, इज़ अ 100% म्यूजिकल बॉय, और उसके रग रग में म्यूज़िक है और पढ़ाई में भी अच्छा है, 9th स्टैंडर्ड में है,
डिफ़िकल्ट है दोनों मैनेज करना, पर कर लेता है क्योंकि पढ़ाई में अच्छा है तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है उसकी पढ़ाई के बारे में, पर वो अच्छा कर रहा है वॉट एवर ही इज़ डूइंग, ही इज़ वर्किंग हार्ड और बहुत साधना करता है। 2 साल से गाना शुरू किया उसने, बहुत कम उम्र से गाना शुरू किया, दादा से सीखा भी है, 12 साल ही सीखा है, काश और दादा रहते तो और अच्छा होता हमारे लिए। दादा हैं साथ में, पर हाँ ब्लेसिंग्स हैं, दादा के ब्लेसिंग्स हैं। गोविंद जी आपके साथ एज अ प्रोड्यूसर हम तुम्हें चाहते हैं, टाइटल बहुत प्यारा है, यस क्या कहना चाहेंगे इसमें? एक बहुत ये स्वीट मूवी है, रोमांटिक मूवी है और दोनों हीरोइन हीरो को चाहते हैं, हीरो किसी को नहीं चाहता है दोनों हीरोइन हीरो के पीछे पड़ी हुई है, तो बहुत आनंद आएगा, अच्छा लगेगा देखना। राजपाल जी का बहुत अच्छा कॉमेडी है इसमें, अनूप जलोटा जी जो कभी फिल्म में काम नहीं करते, हाँ, अनूप जी का अलग रूप दिखेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसलिए रखा है क्योंकि मेरा ये टारगेट है कि बॉलीवुड में जो भी मैं फिल्म बना रहा हूँ, साल में 4-5 फिल्म हम लोग बना रहे हैं, तो जितना नए से नए टैलेंट को मैं ले सकूँ वो मेरा टारगेट है। और भी नया फिल्म में जो बनाया है अभी, उसमें 90% नए लोग हैं। एक और अभी हमने कल उसमें 21 अक्टूबर से फ्लोर पे जा रहा है विक्रांत, उसमें भी नए लोग जाते हैं। जी आगे देखो, आप पब्लिक का प्यार, आप सबका आशीर्वाद मिला तो हम लोग मेहनत करने वाले लोग मेहनत करते रहेंगे और बनाते रहेंगे, आप सबका प्यार मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फोटो ले लेना। हम तुम्हें चाहते हैं। देखिए जी, आज भप्पी लहरी जी कितने खुश हो रहे होंगे पता है, कितने खुश हो रहे होंगे, ये उनके आशीर्वाद से हुआ ये काम, ये उनकी बेटी जमात जिन लोगों ने गजब कर दिया है, क्योंकि मेरा तो उनसे बहुत प्रेम रहा, बहुत प्रेम, तो ये बहुत खुशी की बात है कि इन लोगों ने, उन्होंने जो संगीत बनाया था उस संगीत को फिर रिलीज़ किया है, उनके जाने के बाद फिल्म में आया। ऐसे ही एक बार हुआ था ना, फिल्म आई थी जिसमें मदन मोहन जी का संगीत था, वीर ज़ारा, कितने साल बाद, तो ये वीर ज़ारा वाला काम हुआ है, यहाँ भप्पी जी का संगीत फिर से लोगों के कानों में पड़ा, उजागर हुआ। और मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना अच्छा गाना गाने को मिला है इसमें भप्पी जी के म्यूज़िक का। मैंने तो उन दिनों भी उनके गाने गाए थे जब वो थे, तो उनके म्यूज़िक में मैंने जो गाना गाया मुझे बहुत मज़ा आया, और मुझे तो इसमें एक रोल करने का भी मौका मिला, एक बड़ा शरीफ चीफ मिनिस्टर है वो मैं, तो आप लोग ज़रूर इसको गाने को भी सुने और फिल्म को भी देखें, और पूरी टीम को मुबारकबाद दें। सर रेगो ने जो सॉन्ग गाया है सेवा सेवा, सर रेगो को लेकर क्या कहना चाहेंगे? यार वो कमाल है यार, वो तो बपीदा ही है, उसके अंदर वही आवाज़ है, लगता है जैसे बपीदा गा रहे हैं, वही आवाज़ है बिल्कुल, वही अंदाज है, भगवान उनको बहुत तरक्की दे, उसको वही नाम दे जैसे भप्पी जी को नाम मिला। देखिए इसमें मैसेज ये है कि हर इंसान को जो किसी भी क्षेत्र में आए उसको ईमानदारी से काम करना चाहिए, नहीं तो उसका हश्र अच्छा नहीं होता। तो यहाँ जो भी पॉलिटिक्स में या किसी भी फील्ड में जो ऑनेस्टी नहीं है, बेमानी है, उसको उजागर किया गया है, और यही कोशिश की गई है कि ये भी क्षेत्र दूसरी क्षेत्रों की तरह बहुत पवित्र हो, ऑनेस्ट हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। माय रिएक्शंस, वी हैव ट्राइड, वी हैव tried to make a good film and the trailer is, the audience reaction is good, so we are happy about it, nothing else. Sir, jaise humne trailer dekha, the concept is about the love triangle, so ye concept aapke paas kaise hai, aapne kaise isko thought process ko generate kiya? Nahi, basically love triangles to bahut sare aaye hain, lekin ye ek odd love triangle, matlab ek elderly woman aur ek young ladki aur middle ek beech mein ladka hai, to is
वी जस्ट थॉट ऑफ इट डूइंग समथिंग डिफरेंट, लेकिन बात तो वही है, घूम फिर के सिचुएशन हैज टू बी लिटिल डिफरेंट, और बाकी फिल्म तो वैसे ही होती है और क्या होता है। हाँ, इस फिल्म का मोटिव ऐसे बेसिकली बेसिकली एंटरटेनर ही है, लेकिन मोटिव ऐसा है जो आजकल का यूथ है तो ब्लाइंडली किसी भी रिलेशनशिप में जंप कर देता है या ये कर देता है। वी आर ट्राइंग टू से लुक बिफोर यू लीप, दैट्स द थिंग।